प्रधान की वसूली करने में मस्त गरीब जनता हुई त्रस्त। खबर है जिला प्रयागराज खरका खास बेलहा खीरी ग्राम सभा से, जहां के प्रधान है डॉक्टर नीरेंद्र कुमार निषाद, जो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। बेलहा के करीब जनता को आवास योजना में पैसे की मांग की जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कॉलोनी गरीबों को मिलनी है, जहां प्रधान गरीब जनता का शोषण करती है। 10,000 रुपए की बात सामने आई। बता दें कि प्रधान जी के द्वारा बोला जाता है कि 10,000 रुपए दो के तभी आवास योजना का लाभ मिलेगा। जहां बात सामने आई कि बहुत से लोगों से पैसा ले चुके हैं, बाकी जिन लोगों ने पैसा नहीं दिया है उनको धमकी भरी बातें सुननी पड़ती हैं। पैसा नहीं दोगे तो कॉलोनी नहीं मिलेगा। प्रधान जी तो सरकार के सारे वादे में पानी फेरते दिखाई दे रहे हैं। जहां एक तरफ सरकार निःशुल्क आवास गरीब जनता को दे रही है, वहीं प्रधान जी तो सुविधा शुल्क लेके गरीब जनता को आवास देने की बात करते हैं। ऐसे प्रधान की जांच करके कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए शैलेश कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट। देखिए, आज मैं खरका खास बेलहा खीरी गांव पड़ता है, मैं वहां आया हूं। यहां पे जो है प्रधान जी की कुछ कमियां हैं, जो मेरे साथ मौजूद हैं ये लोग, आप लोग ही बताएंगे क्या कमियां हैं। भैया आपका क्या नाम है? मेरा नाम सियालाल कोल, बेलहा के रहने वाले हैं जी, खरका खास ग्राम सभा। जी जी, तो भैया प्रधान जी की जो कमी है, आप बोल रहे थे कॉलोनी ओलोनी के लिए करके पैसा वगैरह मांग रहे थे जी, तो इसमें क्या है, आप क्या कहना चाहते हैं? जी, यहाँ पे जो आवास हम लोग को मिला है उसमें से 10,000 रुपये प्रधान जी मांग रहे हैं और हम लोगों से ले भी लिए हैं। अच्छा। और बाकी लोग जो हैं उनको जो है चमचा भेज के जो है उनसे कहवाते हैं कि जाओ पैसा कह दो दे दें, नहीं तो उनका जो है कॉलोनी का जो किस्त है अगला रुक जाएगा और लोगों का जो है नाम उड़ा देंगे, इनका जो है कॉलोनी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है इनको जो है कि जी बताइए क्या नाम है आपका? फूलकली। फूलकली आनेवासी। तो क्या क्या डरवाते हैं आपको प्रधान? यही पैसा वैसा मांगा था, भेजा था, 2-4 आदमी आ चुके हैं, एक आध दो लोग ब्राह्मण हुआ है, एक आध दो लोग कोला हुआ है, मतलब जो उनके पक्ष से हैं अपन ले देते हैं, हम कब चक नीचे लेते हैं, बनवावे नहीं पाते। कितना पैसा मांगते हैं? 10,000 मांगा था, 10,000। अब ऐसे यह तो नियम सीख लिए हैं, सब ऐसे लेते हैं 10,000। अच्छा, क्या नाम है भैया प्रधान जी का यहाँ के? प्रधान जी हमारे यहाँ का जो है नीरेंद्र कुमार निषाद हैं, खरका खास। अच्छा अच्छा जी। भैया आप क्या कहना चाहते हैं सर? अभी क्या तो नाम है आपका? सर मेरा नाम राजेंद्र कुमार कोल है जी। सर अभी तक तो हमको आवास ही नहीं मिला, फिलहाल इतना सुनते हैं कि हाँ जिसका जिसका आवास आया है पैसा ले रहे हैं सब, तो ये गलत बात है ना। आपका भी आवास क्यों नहीं मिला? सर अभी नहीं मिला, कागज कई बार दिए जो है कागज डाले, पता नहीं कागज किधर गायब हो जाता है। कागज तो हम दिए हैं सब जी, देख सकते हैं यहाँ पे जो है खरका खास बिलहा में जो है प्रधान जी की जो मतलब भ्रष्टाचार लिप्त जो इनको कहा जा सकता है, मतलब यहाँ के लोगों का जो आरोप है कि 10,000 रुपये। भैया कितना मांग रहे थे? 10,000 रुपये। 10,000 रुपये, 10,000 रुपये मांग रहे हैं कॉलोनी के लिए, जो प्रधानमंत्री जी की तरफ से जो कॉलोनियां गरीब लोगों को आ रही हैं उसके लिए जो है 10,000 रुपये मांगा जा रहा है प्रधान जी की तरफ से। आप क्या कहना चाहती हैं? आपसे ही मांगा जा रहा था। हाँ। क्या नाम है आपका? हमारा शशि कुमारी। शशि कुमारी, क्या क्या प्रधान? हम हूँ से प्रधान भाई, 10,000 रुपया ले थे और का। आपकी कॉलोनी आई? हाँ, कॉलोनी आई है, बनी भाई तने पर रुकी बा। हाँ। ये सामने वाली रुकी। पैसा आपने दिया कि नहीं दिया? हाँ तो पैसा लाई गए की। पैसा ले गए? हाँ, 10,000 रुपये। हाँ। देख सकते हैं प्रधान जी लोग जो यहाँ पे गरीब लोगों से 10,000 रुपये जो है सभी से जो है बहुत से लोगों से ले जा चुके हैं ना भैया? बहुत से लोगों, हाँ बहुत से लोगों से ले जा चुके हैं और बहुत से लोगों से अभी जिनसे नहीं लिए हैं उनसे अभी मांग रहे हैं 10,000 रुपये। देख सकते हैं प्रधान जी के यहाँ पे जो है कमियाँ हैं। मैं ये कहना चाहूँगा अपने मीडिया के माध्यम से कि जो भ्रष्टाचार चल रहा है, आला अधिकारियों से यही कहना चाहूँगा जो भ्रष्टाचार जो प्रधान जी भ्रष्टाचार में लिप्त दिखाई दे रहे हैं लोगों को, जो गरीब लोगों को जो सता रहे हैं, तो उनमें इनको थोड़ा नज़र के कानूनी कार्रवाई या फिर जो भी इनकी कार्रवाई हो की जाए इसमें। मैं प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज़ से शैलेश कुमार द्विवेदी की खास रिपोर्ट।